अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अपने अपनी लाइफ्स को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएं, बिकॉज वहाँ मेरा होगा क्या है फ्रेंड्स, बच्चे अंदर सो रहे हैं और इसलिए मेरा वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा स्लो है। बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं उठी मैं, अच्छी नींद लेके उठी हूँ, लेकिन जो है ना चाय या कॉफ़ी किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि चाय बनाऊँ, साथ में स्लाइसेस ले लूँ या चाय बाकर हानी खा लूँ या कुछ ना कुछ ऐसा ना जो मेरा दिमाग जो है ना पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। तो वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बिकॉज दिस इज़ अ डेली व्लॉगिंग इंटरटेनिंग चैनल। तो हम लोग चलते हैं किचन में और चल के आपको बताते हैं आज मैं आपके साथ मॉर्निंग टू इवनिंग अपनी रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। फ्रेंड, यहाँ पर अपने लिए चाय है, फ्रेंड यहाँ पे सारा किचन जो है वो साफ़ है। ये भी मैंने चाय बनाई है, हमने सारे बर्तन धो दिए थे और मेरा दिल आज गार्डन हो गया। डेली वो करती है, मूड के अकॉर्डिंग करती है, ज़्यादा मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन अब कुछ दिनों समेत भी है जब से नहीं सही रह रही तो वो ही ज़्यादा कर रही है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट बन गया, ये मैंने डाइट वाला रूह अफ़ज़ा जो है जामे शीरी वो बना लिया इसमें। अब चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे अब क्या करना है। और वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले जो न्यू कमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो ओल्ड हैं वो वीडियोस को लाइक कर लें। फ्रेंड, यहाँ पे जेजी सोया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। कूलर का शोर था इसलिए मैंने वॉल्यूम ऑफ कर दिया और अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे जेजी उठ गया और इसको मैंने फ्रेश कर दिया। जेजी ने पहना हुआ है माशाल्लाह से न्यू रॉम्पर। जेजी खड़े होके दिखाओ, हाँ खड़े होके दिखाओ, स्टैंड अप। ये गुड बॉय, इधर इधर, ये देखो ये कार है ना आपकी, नहीं दिखाना, फिर नहीं दिखाना तुमने, ये दिखाना है। खड़े हो जरा, खड़े हो ना, बहुत ही हड हराम हो ऐसे तुम जेजी, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आमना उठ गई थी और मैंने आपको कहा था कि आज मैं इवनिंग तक आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या करती हूँ, तो ये अब इवनिंग हो गई है। यहाँ पे आइसक्रीम वाला आ गया था और आमना ने आइसक्रीम ना बाइक वाली आइसक्रीम है देखा, स्टार्ट हुई है इतनी बड़ी पीछे गए वो आइसक्रीम की। ओह माय गॉड, कितनी अजीब चीज है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा फ्रेंड ऐसे, क्या आइसक्रीम वाली की बाइक लगी हो साथ, उसके मुंह में डाला वो देख रहा आइसक्रीम। ठंडी लगी है अब ना, कपड़ों पे ना लगे, आ गई उसके सारी चाय गिरी है। यम्मी। ठीक है फ्रेंड, ये बच्चे आइसक्रीम इंजॉय करने फिर आपको मिलते हैं अगेन। फ्रेंड यहाँ पे हो गया है सफाई टाइम और आमना करने लगी है माशाल्लाह से सफाइयाँ।
मेरी तबीयत नहीं सही रह रही। हाँ तो फिर आमना ही सारा काम कर रही है, कुकिंग भी आमना ही करने लगी। आमना की खुद की भी बेचारी की तबीयत सही नहीं, छींके मारती रहती है, छींके मारती रहती है। वैसे और ये मारती रहती है। अभी घर का ये हाल है, इतना गंदा घर नहीं है, बस ये कि अब बच्चा है ना माशाल्लाह, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इसको जिंदगी सेहत दे आमना। हाँ कि गंदा घर है तो कोई बात नहीं, हमें घर की कोई टेंशन नहीं है। हम तो वैसे हमारे घर किसी ने आना भी नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमने सफाई करनी होती है। अब ये बच्चा है, इसने जितनी दफा इसको मतलब देने हैं खेलने के लिए, इसने ऐसे ही बखेड़े डाल देने हैं वो देख, तो अब क्या करें, इसको खेलने के लिए ना दें, इस तरह फिर बच्चे का आई क्यू लेवल नहीं बढ़ता। और किचन में ये कि आज बर्तन थोड़े ही हैं, ये हमने ने चिकन जो है वो डिप कर दिया, मेरा ख्याल है पुलाव बनने लगा। आई थिंक क्या बनने लगा है, पुलाव ही बनने लगा आई थिंक। बिरयानी नहीं खाओगी? मैं तो खाऊंगी बिरयानी बनाऊंगी जो आपको आसान लगती है। तू किधर छुप छुप के पी रहा है, नहीं लेता तेरे से कोई, तू कू छुप छुप के पी रहा है, बस उसको जगह चेंज करनी होती है अपनी। तू किधर छुप छुप के पी रहा है? फ्रेंड जी है ना पैंपर हम लोग लाए थे कारफोर्ड से गुड केयर के, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा बताया? नहीं ये नहीं बताया, ये गुड केयर के थे, प्रमोशन के दिन देंगे। नहीं ना वो मसला नहीं है, तो तब हो सकता है इनकी क्वालिटी अच्छी हो जाए। तो ये फिर मैं पैंपर सी ले आई थी, प्राइस मेरा हाल दोनों की सेम ही थी। इसमें कितने पीसेस थे? ओ यार इसमें 72 पीसेस थे, तभी तो मैं फ्रेंड मामा ने 44 है। मैंने मामा को उस दिन पैंपर्स के लिए ही कहा था कि 72 पीसेस है, क्योंकि मुझे पता था इसके अंदर 72 है। ये फिर सही था प्राइस के अकॉर्डिंग, ये सही था। फ्रेंड इस पे बच्चा भी प्यारा बना हुआ है, ये इन पे गुड केयर वालों पे। ये तो जजीजा था, इसके 4 दांत थे, जजी के 6 दांत थे। नहीं जजीजा के पैंपर से इससे रैश हो जाते हैं कभी, लेकिन पैंपर से रैश नहीं होते, इसलिए मुझे पैंपर्स जो हैं वो ज्यादा पसंद है। फ्रेंड्स यहाँ पे आमना होम टूर की वीडियो शूट करने लगी थी और हम लोग वीडियो को एंड नहीं कर पाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये एक क्लिप जो है आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, और व्लॉग का एंड भी नहीं हो पाया वो भी कर देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।